मूविंग ऑन लेट्स टेक आर फर्स्ट कॉलर टुडे केम पटेल हैज कॉल्ड इन फ्रॉम मुंबई मिस्टर पटेल हाउ कैन वी हेल्प यू हां आई के ओके मैडम हेलो यस मिस्टर पटेल बताइए बताइए मेरा ये प्रॉब्लम है की मेरा रेंटेड प्रॉपर्टी है ठीक है लीज होल्ड है और मैं अपना घर खरीदना चाहता हूँ नया लेकिन कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं क्योंकि ये टेनेंसी राइट वाला बिल्डिंग है हाँ तो और ये महारा ने कंस्ट्रक्टेड किया है रीडेवलप करके हमको जगह दिया है अभी वो रूम छोटा पड़ता है बच्चे का शादी करना है तो मेरे को नया रूम अगर लेना है तो मैं नहीं ले पाता ना नहीं पर, पर आपके टेनेंटेड बिल्डिंग से होम लोन का क्या नाता है बैंक आपसे क्या कह रही है जब आप बैंक के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं आपसे तो वो बोलते कि ये प्रॉपर्टी भी हम लोग नहीं देंगे लोन जो आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो टेनेंटेड प्रॉपर्टी है नहीं वो मेरे को ओनरशिप खरीदना है ओनरशिप खरीदना है आ, तो ओनरशिप खरीदने के लिए वो लोन देने के लिए मना कर रहे हैं मना कर रहे हैं पर ये नहीं बता रहे कि क्यों मना कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि बोलता है है ये लीज लीज होल्ड होल्ड ना गवर्नमेंट ने नाइनटी नाइन साल का हमको लीज होल्ड करके वो जगह दिया है जी आ, सुब्रा से पूछते सुब्रा लीज होल्ड किराए पर रहते लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ये आ, टेनेंट आ, पुरानी प्रॉपर्टी है टेनेंसी राइट्स वाली लेकिन इस वजह से बैंक इन्हें कर्जा देने से मना क्यों करेगा I, I, I really don't understand the question. जो घर में रहे हैं इन दैट लोन देने का मना आई कैन अंडरस्टैंड जो नए बिल्डिंग खरीद रहे हो वो अगर बिल्डिंग नया है और निन्यानवे वर्ष का आपको लीज़ है तो उसमें लोन तो मेरे ख्याल से तो मिलना चाहिए हेलो हेलो मेरी बात सुनिए हाँ जी बताइए मेरे नाम पे है नहीं ये बताइए पटेल साहब जो आप नया बिल्डिंग नया मकान आप खरीदना चाहते हैं वो आ, तो वो टेनेंटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है ना नहीं नहीं वो वो मेरा ओनरशिप में मुझे खरीदना आपको ओनरशिप में खरीदना है आपकी उम्र क्या होगी सर मेरी उम्र अभी सिक्सटी थ्री है मैडम मेरे बच्चे की उम्र है ट्वेंटी टू आप और लोन आप किसके नाम पर लेना चाहते हैं मेरे बेटे के नाम से लेंगे तो भी मैं लेने को तैयार हूँ आपका बेटा सर्विस करता है क्या करता नहीं, अभी वो का में है मैडम वो नहीं मिले। राइट मिस्टर पटेल शायद बैंक जो मना कर रहे हैं उसकी वजह शायद यही है कि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका जो बेटा है वो अभी पढ़ाई कर रहा है जैसे ही आपका बेटा काम करने लगेगा जैसे उसको सैलरी मिलने लगेगी तब आप देखिएगा बैंक आपको जरूर लोन देने के लिए राजी हो जाएगा बेसिकली बैंक का एक ही मायना है कि उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए और वो आपकी रीपेमेंट केपेबिलिटी देखते हैं सुब्रा हाँ हा, लेकिन मैं मैडम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ मेरी इनकम है रेंटेड इनकम मैं मेरी दुकान भाड़े से दिया है उसका पच्चीस हजार रूपया मैं भाड़ा ले रहा हूँ तो तो मेरी ऑलरेडी मेरे उसमें है और लास्ट ये मेरे पास दस साल से मैं ये काम कर रहा हूँ राइट right. तो बैंक को देने में क्या अर्ज होना चाहिए मैं राइट राइट सुब्रा से पूछ से सुब्रा इनका रेंटल इनकम है दुकान किराए पर देते है इज दैट इनफ फॉर हिम टू गेट अ लोन no banks don't give a loan even to people who have uh, pensions even people with government pensions which is guaranteed which hmm. is indexed even that they don't give they have some funny rule which say people beyond the age of 60 will not get a home loan it's got nothing to do the bank has a policy that's all so they give only to people who are salaried and not retired so if he were working in a company where retirement age was 65, it would be different, but there is no chance of him getting. now, that. i'm just asking if the income that he is earning uh, from the shop, now if that income were to be in the name of the son, the son who is 22 years old. no. Even then no. they cannot. Because I, it's a I, rental income, you see. No, they see they may not be very sure and that level mm. they may give a small loan, but if you were employed in a company, even mm. if you are employed in a company which is not very reputed, then they give a lesser loan. But if you are working in a big listed company, then they give you a bigger loan. Right. So they have to be confident that that cash flow will come continuously. If the cash flow stops, tomorrow if the rental income stops, then what happens? How will you repay?

और आ, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका दुकान है किराए पर आपने चढ़ाया है वो सब लाजमी है लेकिन बैंक सीनियर सिटीजन को लोन नहीं देता साठ साल की उम्र के बाद वो होम लोन बैंक नहीं देती है बैंक आपके बेटे को बेशक लोन दे सकती है जैसे ही उसकी नौकरी लग जाए जैसे उसे मंथली इनकम वो दिखाना शुरू करे उसके बाद जो है बैंक उसे लोन देने को राजी हो जाएगी ठीक है राइट Thank you very much. You can watch live TV on our website, mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com forward slash magic bricks now. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magic bricks now. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com forward slash magic bricks now.